जी सर, क्या कहोगे, क्या मामला था जो लोकल स्कूल में पेरेंट्स को हल्ला बोल करना पड़ा? हल्ला बोल जैसा कुछ नहीं है, कुछ होते हैं हर जगह थोड़े से, जिनको हर एक चीज़ से तकलीफ होती है। स्कूल ने एजुकेशन इंडिया के साथ में टाई अप किया है एकेडमिक्स को सुधारने के लिए, पर उनके दिमाग में ऐसा है पता नहीं क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। उन्होंने पूरे साल फीस नहीं पे करी, उनको दिसंबर में बोला कि आप अपना फीस जमा करवाइए वरना लेट फीस लगेगी। तो वो आके बोलते लेट फीस किस बात की, अरे हम नहीं चाह रहे लेट फीस, आप अपना फीस भरिए और बात खत्म करिए। आप उस मैटर में जाते ही क्यों हैं कि लेट फीस कैसे लगेगी, क्यों लगेगी, क्यों ले रहे हैं, हम तो लेना ही नहीं चाहते हैं। आप अपने समय पर फीस भरिए और बात खत्म हो जाती है। दूसरा, हमने उनको ये बताया कि अगले साल क्योंकि स्कूल CBSE हो गया और बहुत सारे खर्चे होने हैं, तो अगले साल हमने FRC में इस फीस की प्रपोजल रखी है। हमने उन्हें प्रपोज्ड फीस बताई, उन्होंने ये कहा कि आप इतनी सारी फीस हमारे से कैसे ले सकते हैं। हमें उन्हें समझाया कि हम ले नहीं रहे हैं, हमने सरकार में दरख्वास्त रखी है, सरकार जो अप्रूव करेगी फीस उतनी ही ली जाती है, FRC से ऊपर कोई भी स्कूल एक भी रुपया नहीं ले सकता है, तो जो सरकार श्री मंजूर करेगी हम वही फीस लेने वाले हैं। लेकिन वो उस बात को मानने को तैयार नहीं थे और अनावश्यक हबूला यहाँ पे कर रहे थे, बात इतनी ही है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो सर, ये लेट फी मतलब एक इंस्ट्रक्शन दिया गया उन लोगों को, खाली एक जल्दी फी भर दे? हाँ बिल्कुल, ये लेना स्कूल का नहीं लेना बिल्कुल ही नहीं था। उस लेट फीस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्कूल को। स्कूल यदि 80% फीस की रिकवरी किए बिना यदि हम लोग स्कूल को चला रहे हैं तो इतने से पैसे से स्कूल का कोई भला नहीं होना है। बात इतनी है कि समय से पेरेंट्स का पैसा आए, समय से स्कूल के जो देनदारियां हैं, टीचर्स की फीस है और जो खर्चे हैं वो समय पे निकलते रहें, सारी चीज़ें स्मूथ चलती रहें। हमें कोई मतलब नहीं है उस छोटी सी फीस, लेट फीस से। हर वाली का क्वार्टरली उनको पहले से बताया हुआ है कि हर क्वार्टर में आपको अपना फ़ी पे करना है। हमने उनको हर क्वार्टर की भी सुविधा दी हुई है, पूरे साल का फीस भी हम एक साथ नहीं मांगते। पर तीन तीन क्वार्टर निकलने के बाद में साल खत्म होने आया है, अप्रैल से नया साल शुरू हो जाएगा, लेकिन एक भी रुपया पूरे साल का उन्होंने भरा नहीं है। तो वो उस बात पर ध्यान न दे के ये कि आप हमने लेट फीस क्यों ले रहे, आप फ़ी भेज दीजिए, हमें लेट फीस से कोई मतलब ही नहीं होता है। तो सर, ये जो कन्वर्ट की बात थी, अब जो CBSE में कन्वर्ट हो जाएगा तो अभी स्कूल में क्या फैसिलिटीज थी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें क्या लाभ होंगे, थोड़ा सा पेरेंट्स को समझा दीजिए। CBSE नेशनल लेवल का बोर्ड है, गुजरात स्टेट में सिर्फ स्टेट के लेवल का होता है। CBSE में बच्चों को नेशनल एक्सपोजर मिलता है, कोई भी नया स्कीम, कोई भी नई एजुकेशन पॉलिसी आती है वो CBSE स्कूल में जल्दी लगती है। उसके अंदर थोड़े से जो पढ़ाई के धोरण हैं वो थोड़े से अपग्रेडेड होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है, नया NEP ऑलमोस्ट सभी CBSE स्कूल में लग गया है क्योंकि वो केंद्र सरकार की स्कीम है। तो इससे बच्चे किसी भी जगह पर जाने में ज़्यादा कंपेटेबल होते हैं बजाय कि किसी स्टेट बोर्ड के। फीस उतना ही रहेगा, फीस जो सरकार कहती है, स्टेट गवर्नमेंट जो FRC में अप्रूव करती है, उतनी ही फीस कोई भी स्कूल ले सकता है, उससे ज़्यादा ले ही नहीं जा सकती। मामला था जब स्कूल में जो बच्चों के साथ फीस को लेकर जो हुआ है बवाल, उसको चलते आप लोग यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कुछ सुनने में आया और क्या मामला है? मेरा नाम है श्रेया बुंदेला, मेरे दो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ पे रिज़ल्ट का दिन था, आज रिज़ल्ट मिला है बच्चों को कि कितना मार्क्स है आगे के उनके जो पढ़ाए हुए। तो हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आके इन लोगों के साथ दंगा फसाद कर रहे, मतलब बहुत गंदी तरह से लैंग्वेज से बात कर रहे जो होना नहीं चाहिए, उससे बच्चों के भी पर इनफैक्ट बहुत ख़राब पड़ती है। तो ये लोगों ने ये नहीं सोचा कि यहाँ जो पढ़ाए जाते उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे, तो इस तरह से बात उनको नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात तो ये कि टीचर्स ने आज रिज़ल्ट दिया है तो उस पर हमको ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, हमको आगे क्या करना चाहिए, उस बात को फोकस करने के अलावा इन्होंने आके डायरेक्टली टीचर्स को, प्रिंसिपल को और यहाँ काफ़ी सारे मेंबर्स को उन लोगों ने बहुत अच्छी गंदी तरह से मतलब मिसबिहेव भी किया है और बहुत गंदे वर्ड्स भी बोले हैं उन्होंने। ये बहुत ही बकवास बातें हैं, इस तरह की बातें उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग टीचर्स के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग टीचर्स के लिए भी यही बोलना चाहते हैं कि इन लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाया भी अच्छा है, उन लोगों ने जो CBSE इन लोगों ने कन्वर्ट किया है तो CBSE में पढ़ाई इस तरह से होता है, उन लोगों ने भी काफ़ी सारा सोच समझ के भी क्वेश्चंस करे हैं, तो वो हमको घर पे बच्चों को पढ़ाना है। हमको इस तरह से नहीं बोलना कि भाई टीचर्स की प्रॉब्लम है, 1:30 बजे तक बच्चा यहाँ पर पढ़ता है,
पूरा डेढ़ बजे तक रहते हैं, तो बच्चे को इतना तो वो लोग पढ़ा चुके, बाकी का हम लोगों को पेरेंट्स को देखना है कि क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कहाँ बच्चा प्रॉब्लम में है, ये सोचना है। बाकी हमको ये नहीं सोचना कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो हमारे लिए तो अलग ही है, बच्चों को भी थोड़ा घर पर टाइम देना ही पड़ता है। हम बच्चे के ऊपर टाइम नहीं देते तो क्या होता है, बच्चा काफ़ी गलत चीज़ें सीखता है और घर पर भी वो क्या करते रहते हैं, ट्यूशन्स रखो, ये करो, वो करो, कुछ भी करो, तो बच्चे को उस लेवल तो करके रखो कि CBSE के काबिल बन जाए। आज टीचर्स ने बोला हुआ है कि भाई ये करना है, ये करके लाओ, तो बच्चा उस मुकाबले वो नहीं कर रहा है, तो हमको ये सब सोचना है। और स्कूल का और फी की बात है, जो फी के पीछे बहुत दंगा मच रहा है, फी की पेनल्टी के हिसाब से, और ये एक स्कूल नहीं है जो पेनल्टी ले रही है, काफ़ी स्कूलें पेनल्टी लेती है, तो तुम सारे स्कूल को जाकर तुम बंद करवाओ ना, क्यों पेनल्टी ले रहे, तुम एक ही स्कूल को क्यों जाके, तुम्हारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे, तुम स्कूल को दबाना चाहते हो, प्रिंसिपल मैम नए हैं तो तुम प्रिंसिपल मैम को दबाना चाहते हो, जबकि प्रिंसिपल मैम का तो सपोर्ट कितना है, सारी पेरेंट्स को सपोर्ट है, सारे पेरेंट्स सब बोलते हैं कि नहीं प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छे, और प्रिंसिपल मैम उन्होंने पेनल्टी, उनको क्या करना है, तुम बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम LMAC में लिखा हुआ है कि ये तारीख को ये फ़ी भरना है, ये तारीख को ये फ़ी भरना है, तो तुम ये नहीं देखोगे तो फिर पेनल्टी तो भरना ही पड़ेगी ना, तुम एक स्कूल को थोड़ी ना तुम मना करोगे पेनल्टी। पेनल्टी तो मैनेजमेंट कह रहा है कि सिर्फ हमने एक इन लोगों एक एक्शन के लिए कहा है कि पेनल्टी लेंगे, लेकिन पेनल्टी ली नहीं है और लेने वाले भी नहीं, वाले भी नहीं है, वो तो सिर्फ काफ़ी पेरेंट्स ऐसे हैं ये स्कूल में कि जो एक एक साल तक फ़ी पे नहीं करते, काफ़ी पेरेंट्स ऐसे, और जो पेरेंट्स बाहर जो दंगा मचा रहे थे सब पेरेंट्स हैं जो फ़ी नहीं पे किए, उनकी उनकी बात है, जो उनको फ़ी ही नहीं भरना है, ऐसे बच्चे को भी ऐसे ही मैनर्स देना है कि बच्चे यहाँ पे दंगा मचाते, बच्चे भी गाली देते, बच्चे यहाँ वॉशरूम में कितना सब गंदा सब करते रहते बच्चे लोग, सारे स्कूल को पता है कि सारे बच्चे इस तरह से कर रहे हैं। अब रिजल्ट मेरे बच्चों का भी कम आया है कि चलो क्यों कम आया वो भी मैं बता सकती हूँ, मेरे बच्चे का रिजल्ट क्यों, क्योंकि CBSE रूल्स है, थोड़ा तो बच्चे को कन्वर्ट बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत तो देर लगेगी बच्चे को CBSE करने, गुजरात बोर्ड से CBSE करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, टीचर्स को, बच्चों को, सबको सेट होना टाइम लगता है। हम लोग सेटिस्फाई हैं इन लोगों के साथ कि भाई हमको CBSE किया हुआ है और हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना एक्स्ट्रा पे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना टीचर्स से है, ना प्रिंसिपल से है। जी सर, क्या कहोगे, कौन से स्टैंडर्ड में है आपका बच्चा और फीस को लेके? मेरे लड़की 7 स्टैंडर्ड पढ़ती है और फी से ले मुझे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि घर अभी मेरी लड़की का रिज़ल्ट नेक्स्ट टाइम थोड़ा ठीक नहीं था और अभी तो बढ़िया रिजल्ट आया है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे हल्ला मचा के गए हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि फीस के लेट फी के लिए हम लोगों को यहाँ पे रोका गया, टोका गया, तो उसके चलते आप लोग कुछ क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैनेजमेंट में आए हो, आपको क्या कहा? अब जब लेट फी की बात बराबर, लेट फी तो अब जैसे जो जैसे सारे स्कूल लेते हैं, जैसे अभी सोसाइटी की बात कर लो, अब जैसे मेंटेनेंस की बात करो, अगर मेंटेनेंस तुम नहीं पे करोगे तो तुमको लेट फी देना ही पड़ेगी, ये तो रूल्स है, सब जगह रूल्स है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7th में ही है मेरी बेटी, उसका भी फर्स्ट टर्म में एकदम लो रिजल्ट था, 8 मार्क्स 9 मार्क्स ऐसे मार्क्स थे, मैंने सर से रिक्वेस्ट की सर उसको थोड़ा ध्यान दो आप, तो अभी उसका रिजल्ट बेटर है, पर वो पेरेंट्स को भी सब पेरेंट्स को उनको टीचर्स को बोलना चाहिए ना कि भाई मेरे बच्चों पे ध्यान दो आप या कुछ भी, बच्चों को तो अब हम को भी ध्यान देना है और टीचर्स को भी ध्यान देना है, हम टीचर को बताएंगे नहीं तो टीचर कैसे ध्यान नहीं देंगे वो। तो मैनेजमेंट से आपको कोई कंप्लेंट नहीं? हमको कोई कंप्लेंट नहीं है, हमको तो सब बहुत ही पहले से बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा, टीचर्स का सब टीचर्स का सपोर्ट है, कोई हाँ अपने हमारे फीलिंग्स की बात है, ये हमारे मन से बोल रहे हैं, हमको किसी ने कुछ बोला नहीं है कि आप इधर आके हमारे साइड बोलो या ये बोलो, हम किसी की बोली से नहीं बोल रहे, ये हमारी फीलिंग्स है और हम हमारे बच्चे को उस मुकाम पे देखना चाहते हैं जहाँ टीचर्स ले जाना चाहते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।